हाय अमित, दिस इज रवि जैन फ्रॉम एबीपी न्यूज़। हाय हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि आप रीजनल सिनेमा यानी पंजाबी सिनेमा को प्रमोट करते नजर आ रहे हैं। आप हमेशा से रीजनल सिनेमा की बात भी करते रहे हैं, लेकिन एक जो सस्पेंस है वो अभी तक बरकरार है। लाल सिंह चड्ढा के बाद आपने किसी फिल्म का अनाउंसमेंट नहीं किया है और बहुत सारे स्पेकुलेशंस हो रहे हैं। मौका भी है, दस्तूर भी है कि आप अनाउंस करना चाहेंगे अगली फिल्म कौन सी होगी आपकी? देखिए, एक्चुअली आज तो हम लोग को सिर्फ कैरी ऑन चड्ढा की बात करनी चाहिए, तो ये आप लोग क्यूरियस हो गए तो मैं जल्दी से जवाब दे देता हूँ। इस वक्त मैंने कोई फिल्म डिसाइड नहीं की है। इस वक्त मैं फैमिली के साथ वक्त गुजारना चाह रहा हूँ और उसी में मुझे अच्छा लग रहा है, क्योंकि वही मुझे करना है। अभी जब मैं इमोशनली रेडी रहूंगा फिल्म के लिए तो मैं करूँगा जरूर, मतलब थोड़ा टाइम में फैमिली के साथ बिताऊं। इस लुक के बारे में थोड़ा बहुत जानना। लुक कुछ नहीं है, मंगल पांडे नहीं, वो अभी मैं शेव नहीं कर रहा हूँ, बाल भी काट नहीं रहा हूँ। बट इवन द मस्टैचेस मुझे कर देता हूँ, आपको अच्छा नहीं लग रहा था भाई? नहीं, उनको था कि पंजाबी फिल्म का ट्रेलर है, मुझे मुझे जार के ऐसे करके रखते हैं, बुरा है ना, वो फिल्म लिख जाते हैं। हाय अमित, दिस इज कोमल पांचाल फ्रॉम इंडियन एक्सप्रेस। इन पब्लिक, इन सो लाइक इन सच इवेंट्स? नहीं, इतना सब नहीं सोचा मैंने। एक्चुअली मैं सोशल मीडिया पे जब था, वो नाम का था, मैं आई टू हार्डली पोस्ट, तो यू नो आई वाज नेवर रियली एक्टिव ऑन सोशल मीडिया। इट्स नॉट, आई थिंक इट्स अ वंडरफुल थिंग बाय द वे, बट इट्स जस्ट नॉट फॉर मी। सो या या, बट सिंस यू लेफ्ट सोशल मीडिया, थिंग्स हैव आल्सो चेंज्ड, द काइंड ऑफ हेट दैट वी रिसीव। आई डोंट नो, आई हैव नो आइडिया, आई एम नॉट ऑन सोशल मीडिया, मुझे आइडिया नहीं है, मां कसम। अब हम दो और क्वेश्चन लेते हैं, और अगर कोशिश कीजिए कि फिल्म के बारे में हम बात कर पाए। माई क्वेश्चन टू ऑल द पंजाबी आर्टिस्ट। अक्सर हमने बॉलीवुड फिल्मों में देखा है, पहले एज अ साउथ इंडियन, ये शिकायत कहीं ना कहीं मेरी में थी कि यू नो कई बार साउथ इंडियंस को टाइपकास्ट किया गया है बॉलीवुड फिल्मों में। अभी ऑफ लेट ये शिकायत पंजाबियों के बारे में भी है कि पंजाब